ग्राम प्रधानों ने खुले में शौच मुक्त होने का फर्जी में लगाया बोर्ड। जी हां, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए जहां बृहद पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, वहीं पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए गांव में बनने वाले शौचालयों को ग्राम प्रधानों के द्वारा आधा अधूरा ही बनवाया गया, जिसके कारण गांव के लोगों को खुले में शौच मुक्त करने का भारत सरकार का सपना केवल कागजों पर ही दम तोड़ दिया, जिसके कारण आज गांव में ज्यादातर लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, जबकि कुछ ग्राम प्रधानों के द्वारा अधिकारियों के समक्ष वाहवाही बटोरने के लिए गांव के मुख्य रास्तों पर खुले में शौच मुक्त गांव होने का बोर्ड लगाकर झूठी वाहवाही बटोरने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसी प्रकार का हाल रहा कौनिहारा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली भरहरा ग्राम सभा का, जहां के ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में खुले में शौच मुक्त गांव होने का बोर्ड गांव के मुख्य रास्ते पर लगवाया गया, जबकि इस ग्राम सभा की 80% आबादी आज भी खुले में शौच कर रही है, जिसके कारण इस बस्ती में जाने के लिए पहले गंदगियों के अंबार से लोगों को गुजरना पड़ता है, वहीं इसी रास्ते से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन रास्तों पर किए गए इस शौच को देखने के बाद भी शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। वहीं एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार के द्वारा भले ही गांव के विकास के लिए कितनी भी अच्छी योजना तैयार की जाए, लेकिन पंचायती राज विभाग के अधिकारी व ग्राम प्रधान अपनी जेबों को भरने के चक्कर में उन सभी योजनाओं को केवल कागजों पर ही अमली जामा पहना कर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं प्रधान जी, खुले में शौच, तो क्या सब लोग शौचालय का ही उपयोग कर रहे हैं? नहीं, तो गांव में पहले जैसा खुले में शौच आज गाँव में ऐसा हुआ था, सवेरे रोड पर देख लीजिए यहाँ सुबह तक गंदगी है, पूरी रोड पर चारों तरफ गंदगी है। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। गाँव भरहरा।